Okay, so guys, welcome back to another video. So today we have Adrish, Hamza and Vlid with us. So our topic of today's video is kya MBBS ke liye China aana chahiye ya nahi. Aur maine kafi videos mein apna opinion diya hai, wo aap dekh sakte ho. So first of all, Hamza, will you suggest your junior ya jo Pakistan mein pre medical ke students hain, unko suggest karoge ki yahan pe aana chahiye MBBS ke liye ya nahi? Bilkul zarur aana chahiye. Okay. So why? Aisa hai ki yahan pe agar aap out of country jaoge, तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। बाकी बात रही स्टडीज की, वो आपने अगर पाकिस्तान में भी हो खुद ही करनी है, इधर भी खुद ही करनी है। ओके, सो हमारे काफी सीनियर हैं जिन्होंने यूएस में कर लिया है, वो स्टडी आपके खुद पे डिपेंड करती है। सो योर टेक ऑन दिस टॉपिक के यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और आदरिश, विल यू जस्ट योर जूनियर्स या प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? सर जरूर सजेस्ट करूंगा मैं। क्यों? बिकॉज एक तो पहली बात हमजा भाई ने की है कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ओके, विल यू जस्ट चिचिहार? डेफिनेटली। कौन से हैं कि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी रूल वाइज स्ट्रिक्ट है, ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज है, लेकिन उसके फायदा क्या है? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको स्ट्रिक्ट नहीं रखा जाए तो वो कभी भी यहाँ पे चाइना में आके नहीं पढ़ेंगे। वेल, कमिंग टू वलीद, प्लीज विल यू जस्ट प्री मेड स्टूडेंट्स जो कि अभी पाकिस्तान में आपकी वीडियो देख रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इट, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको, जो एक्सपोजर आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में मिलता है वो आपको कभी भी लोकल में नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जारी बात, एक नया एनवायरनमेंट होता है, एक नया न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एवरीथिंग, एक न्यू कल्चर को आप एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो ऑफकोर्स मेरे लिए तो ये प्रोहित हुआ। ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस या जो मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा, तो मेरे ख्याल में तो मैं किंग एडवर्ड में भी क्लासेस लेता रहा हूँ, वहाँ के जो टीचर्स हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे भी क्लिनिकल क्लासेस और सब कुछ अगर यूजुअल जैसे कोविड नहीं होता तो हमारी होती है, अभी भी हम क्लिनिकल क्लास लेके आ रहे हैं। तो मेरी भी टेक यही है इस टॉपिक पे कि यू शुड कम टू चाइना अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपके घर वाले सपोर्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद डिस्ट्रैक्शन से बच के स्टडी करना बहुत बड़ा एक काम है जो कि आप कर सकते हैं। वेल, टुडे वी हैव खुशबू ज़ैनब फ्रॉम इंडिया। और खुशबू, आप ये बताएं कि लड़कियों को पाकिस्तान से या जहाँ से भी आ रही हैं या इंडिया से आ रही हैं, चलो MCI ने यहाँ अप्रूवल यूनिस्को नहीं दिया हुआ, खैर वो एक अलहदा टॉपिक है, आप सजेस्ट करोगी लड़कियों को यहाँ पे आना और सेफ्टी के क्या कंसर्न यहाँ पे हैं, और बाकी थोड़ा बहुत इस चिचिहार के बारे में पर्टिकुलरली जो बच्चे आना चाहते हैं उनको करें गाइड? चाइना बहुत सेफ है गर्ल्स के हिसाब से, स्पेशली उनके यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ओके, और बाकी जो है काफी पाकिस्तानी भी है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ओके, तो मेडिकल स्टडीज पर्टिकुलरली तो क्या सजेस्ट करोगी? एक्सपोजर अच्छा है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि आप कितना स्टडी कर रहे हो या कितना उस चीज के अंदर हो। ओके, सो इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन मेरी ये है कि अभी यहाँ चिचिहार में जो हमारे सीनियर इंडिया से थे या पाकिस्तान से थे, तो उन सब ने अपने अपने कंट्री का प्रस्पेक्टिव जो टेस्ट है वो निकाल लिए हैं। इंडिया में से अभी आई गेस 29 या 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने FMG निकाला है। FMG यूं समझिए जस्ट पाकिस्तान में NLE है, और लेकिन NLE तो बहुत इजी होता है और इन लोगों का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इसको USMLE से कंपेयर किया जाए तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा, इनका काफ़ी टफ होता है। तो वो बच्चों ने निकाला है पाकिस्तान में, NLE बच्चों ने निकाला है, तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं यहाँ से स्टडी करके, तो उनकी रेशो काफ़ी अच्छी है कंपेरेटिव टू अदर यूनिट्स जो कि चाइना में MBBS ऑफर कर रही हैं। बाकी फिर ये इंडिविजुअल पे एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे यहाँ पे आके पढ़ते हो, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हो। बाकी फिर वीडियो को अगर आपने लाइक किया प्लीज़ डू शेयर, और दोस्तों को चैनल मेरा रिकमेंड अगर आप कर सकते हैं प्लीज़ डू इट फॉर मी।